हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल रेनू होम रेमेडीज में। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आलू के छिलकों की हेल्प से आप अपने बालों को भी काला कर सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर हम आलू के छिलकों को फेंक दिया करते हैं, लेकिन ये आलू का छिलका हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, और अगर आप ये रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो आप इस रेमेडी को बार बार इस्तेमाल करोगे। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार इस्तेमाल करोगे और एक ही बार में आपके बाल काले हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो थोड़ा टाइम लेती है अपना असर दिखाने में, सो आपको पूरा पेशेंस रखना होगा। रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टील के कंटेनर में 1 गिलास के करीब पानी लिया है, और अब मैं एक मीडियम साइज़ का आलू ले लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने इस आलू को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और अब मैं इसको पील ऑफ कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि इसका छिलका आपको ज़्यादा बारीक नहीं उतारना है, थोड़ा मोटा मोटा ही उतारना है, ताकि इसमें थोड़ा आलू की जो स्किन है वो भी इसमें आ सके। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसका आलू के पील ऑफ कर लिया है, और अब मैं अब इसको पानी में ऐसे ही छोड़ दूंगी इसको पकने के लिए। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको ये चाहे मीडियम साइज में रख सकते हैं गैस का फ्लेम, या फिर आप फुल आंच में भी इसको पका सकते हैं। अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि हमारा ये 1 गिलास पानी आधा ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पानी में अच्छा सा बावल आ गया है, और हमारे पानी का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा 1 गिलास पानी आधा गिलास ना रह जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये आलू के छिलके का पानी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे, और इसको एक ठंडा होने के बाद एक स्टीम की हेल्प से एक बाउल में छान लेंगे। तो इसको स्प्रे वाली बोतल में भी डाल सकते हो, और अपने बालों को स्प्रे की हेल्प से पूरे मसाज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने एक कांच का बाउल लिया है, और इसको मैं अब ऐसे ही इस्तेमाल कर लूँगी। फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे हम अपने सर के बालों में तेल की मसाज करते हैं, उसी तरीक़ा से हमें इस पानी को, यानी कि आलू के पानी को इस्तेमाल करना है अपने बालों की जड़ों से लेकर लेंथ तक। हल्के हल्के हाथों से आपको इसको अप्लाई करना है अपने बालों में। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर अप्लाई करें, और आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में ही आपको अपने बालों में फ़र्क दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।